से आपका खुद का फोटो ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आर्ट कर सकते हैं। और आर्ट करने का बाद जैसे आप फेसबुक में छोड़ोगे तो हर कोई किसी को लगेगा आप खुद पेंसिल से ड्रॉ करके फिर फेसबुक में शेयर कराए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मोबाइल में ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर का द्वारा आप इतना अच्छा करके जो पेंसिल में जैसा कोई भी फोटो ड्रॉ करते ऐसा लगते थे पूरा के पूरा पेंसिल से आपका फोटो ड्रॉ हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक क्लिक के भी क्लिक करके भी आप फोन से उसका ड्रॉ कर सकते, कोई भी फोटो आप सिलेक्ट करना, आपका खुद का हो फिर कोई फ्रेंड का किसी का भी, आप फोटो आसानी से इसका अंदर लेके सिर्फ एक क्लिक करके ही आप आपका मर्जी से वो फोटो ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा है, हर किसी को लगेगा आप खुद वो जो फोटो है ड्रॉ किया है, करने का बाद फिर जाके फ्रेंड फेसबुक इंस्टाग्राम फिर व्हाट्सअप में सर आए। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप अगर सीखना चाहते हैं ऐसे अच्छा कैसे कर सकते तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिरी तक देखते रहें। और अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इतना टाइम से मैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे वो है पेंसिल फोटो स्केच। आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो मैं उधर भी दे दूंगा, उधर से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते इसके अंदर है क्या। तो पहले तो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपका सामने कुछ इस तरह शो हो जाएगा। तो इधर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इधर में कैमरा, फिर गैलरी, रेटिंग, शेयर, फिर इधर में फ्रेंड दो वर्शन आपको मिल जाते हैं। आप इधर पेड भी कर सकते हैं, फ्री वर्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो टफर क्या है, ऐसे कोई इसके अंदर तो फीचर्स है उसका कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है अगर आप पैसा दे के ये खरीदते सॉफ्टवेयर तो आपको ऐड नहीं दिखाई देगा, और अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते तो इसमें ऐड आते रहेगा। तो ऐसे कोई बड़ा बात नहीं, ऐड आने दीजिए, कोई बात नहीं, कौन पैसा देने के लिए जाए। और इसका दूसरा कोई इतना ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें, और ये यूज़ करना बहुत ही आसान है। जैसे कि इधर में कैमरा का ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड, इधर में आप कैमरा से भी फ़ोटो खींच के ले सकते, और अगर पहले से आपका कोई फ़ोटो है वो भी आप एडिट कर सकते। जैसे मैं गैलरी में चला जाता, जाने के बाद फ्रेंड इधर में एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते, करने के बाद इसको करना है एडिटिंग। तो क्या करना है, पहले ऊपर में जो कुछ नहीं इधर में आप क्रॉप भी कर सकते, छोटा बड़ा भी कर सकते, फिर घुमा भी सकते फोटो, फिर इधर में आप देख सकते, पास में भी ला सकते, ज़रा दूर में भी ले सकते, जूम भी कर सकते, जूम आउट भी कम कर सकते इधर से। फिर अगर नहीं करना है तो सिंपली जैसे ऐसे रहने दीजिए, टिक में क्लिक कर लेना, फिर आपका सामने थोड़ा ऑप्शन आ जाएगा। मैं पहले तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन का फीचर्स के बारे में बता लेते हैं। ऊपर में आपको मिलेगा इफेक्ट, फिल्टर, एडिट एंड बैक स्पेस एंड डाउनलोड। आपको ये चार पांच ऑप्शन इधर में दिया जाता है फ्रेंड। सिंपली मैं वो पहले से बता एडिट में से पहले बता लेते। एडिट में आपको क्या मिलेगा, जैसे आपका जो फोटो है इसका ब्राइट कम ज़्यादा कर सकते, देख सकते ब्राइट इधर से कर सकते हैं। फिर आपका कोई भी फोटो का मान लीजिए लाइट का, फिर कॉन्टेस्ट का कुछ भी इधर में आपको मिल जाएगा, आसानी से आप कम ज़्यादा कर पाओगे। इधर में जैसे देख सकते हैं, ये तो गया फ्रेंड एडिट का बात। एडिट आप अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको करना है क्या है, ड्रॉ पेंसिल से ऐसा लगना चाहिए जैसे पेंसिल से ड्रॉ किया है। तो वो कैसे करते, पहले तो आपको फिल्टर के बारे में भी बता देते, क्योंकि अगर अभी नहीं बताऊंगा तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बाद ही आपका जो प्रोसेसिंग है वो चालू कर दूंगा। तो इधर में कोई भी फिल्टर कर सकते, कोई भी कलर इधर में आप आसानी से चूज कर पाओगे फिल्टर में जाके। ये तो कोई भी मोबाइल यूज़ करते अभी का टाइम पे तो उसको भी तो आ जाते, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको अभी क्या करना है, जो पेंसिल से अगर ड्रॉ करने का जो बात बोला था मैं, तो आपको इफेक्ट में जाना। इफेक्ट में जाने के बाद फ्रेंड में इधर में देख सकते बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इधर में से कोई भी एक चूज कर सकते, जैसे मैं पहले वाला चूज कर लेते। अब देख सकते फ्रेंड इधर में ऑटोमेटिकली जब ऐसा लग रहा है जैसे पेंसिल से मैं ड्रॉ किया है। और इस पर कम ज़्यादा भी कर सकते, जैसे आप जितना भी रहना देना चाहते उतना रहना दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा फूल भी कर सकते। सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं है फ्रेंड, ये बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे आप देख सकते इधर में एक एक इफेक्ट एक एक जैसे देखेगा
हर इफेक्ट अलग रहेगा, आपका एक जैसा नहीं है। देख सकते हैं आपको थोड़ा 8-10 से यूज करके दिखाते हो तो आपको भी आसान होगा। फिर इधर में जैसे बोला मैं इसमें वॉल्यूम जैसा है, इसमें कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करके रखोगे तो लगेगा, तो पूरा के पूरा आप ड्रॉ करके पेन एंड पेपर से ड्रॉ करके फिर भेजाएं, किसी को भी भेजोगे तो उसको ऐसा टक लग जाएगा क्या कैसे इतना अच्छा फोटो कैसे बना लिया। तो पहले तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में जिसको पता नहीं है उसको तो फर्क भी नहीं लगेगा जो ऐसा हो सकते, जैसे फोटो आप इधर में डालोगे तो ऑटोमेटिकली एडिट करके दे देगा एंड ऐसा लगेगा पूरा का पूरा पेन एंड पेंसिल से बनाया है। तो ये तो गया फ्रेंड्स बहुत सारे इफेक्ट, इधर में कोई भी इफेक्ट आप आसानी से यूज कर पाओगे, कलर इफेक्ट भी है फिर शॉपेड इफेक्ट भी है आप देख सकते हैं। तो इधर में आपको जो भी पसंद आए वो रख लेना, रख के फिर इधर से कम ज्यादा करके जितना भी लेना है उतना ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो यूज़ करना, बहुत ही आसानी कोई भी यूज़ कर पाएगा। तो मैं मान लीजिए ये वाला मेरे को सेव करना है तो कैसे करूँगा, ये मैं रख लिया पूरा क्योंकि मैं जो यह पहना था टी शर्ट पहना था वो जरा कलर वाला है तो मैं पूरा रखूँगा, नहीं तो ये जो कलर है सामने आ रहा है इसलिए मैं पूरा रख के फिर इधर में आपको सेव करने के लिए ये डन साइड में जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इधर में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये जो फोटो है, फिर फेसबुक में डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड मेरा इमेज जो है सेव हो गया, अभी गैलरी में जाके दिखाते हैं आपको। जैसे कि फ्रेंड आप इधर में देख सकते हैं मेरा जो फोटो है एडिट होके इधर आ गया ऑटोमेटिकली। तो आपका भी फोटो अगर करोगे तो आपका जो गैलरी है गैलरी में सेव होके ऑटो आ जाएगा, ऐसा लगेगा कोई किसी को लगेगा नहीं आपका मोबाइल से किया है, मोबाइल से कोई इफेक्ट का इफेक्ट से किया है, हर किसी को लगेगा जो ये जो फोटो है आप खुद पेन एंड पेपर से ये ड्रॉ किया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक क्लिक जैसे मैं आपको बताया, इसका कोई ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आप आसानी से यूज़ कर पाओ। और सबसे बड़ा बात फ्रेंड यही है, ये जो सॉफ्टवेयर है कोई भी बहुत ही आसान से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको अप्लाई करूँगा, कोई भी दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।